हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जे आर फंडा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर से रिलेटेड जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं। ट्राई करेंगे कि 15 आपके जो एमसीक्यूज हैं वो हम करें मराठा एम्पायर से रिलेटेड, जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जहां से आपके क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस। ये हमारा पार्ट 8 है दोस्तों। पार्ट 8 500 एमसीक्यू सीरीज जो आपकी चल रही है उसका पार्ट 8 है, इसको अभी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तैयार है सब लोग? एक बार आप सब लोग चेक कर लीजिए कि सबका ईवी सब ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम सब करके बता दो कि सर क्लियर है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज आपका लास्ट डे है और कुछ ही घंटे आपके पास में बचे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अपना पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, तो आपका ऑफर का आज लास्ट डे है। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है जो आपको मिल रहा है। फ्लैग 10 आपको कोड लगाना है और फ्लैग 10 आप कोड लगाएंगे तो आपको तुरंत एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी हमारे कोर्सेस हैं, आपकी टेस्ट सीरीज हैं, कोर्सेज हैं, इन सब पे आपको 10% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो आप जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाओ और अपना कोर्स है उसको आप ज्वाइन करिए। इसके अलावा अगर आपने जे आर एफ ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो आप ऐप को भी इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको मिल रहा है। स्टार्ट करें, तैयार हो सब लोग? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज का। जून 1665 की पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में, शिवाजी और जसवंत सिंह के बीच में, शिवाजी और शाहिस्ता के खान के बीच में। तो आप बताइए कि पुरंदर की संधि है वो किस किस के बीच में होती है? बताइए। जून 1665 की पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब के बीच, शिवाजी और जयसिंह के बीच, शिवाजी और जसवंत सिंह के बीच, शिवाजी और शाहिस्ता खान के बीच। 1, 2, 3 एंड 4। सो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 2, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, 15 जून 1665 को आपकी पुरंदर की संधि होती है, किस किस के बीच होती है? ये शिवाजी और जयसिंह के बीच में दोस्तों ये संधि होती है। अब इसकी मुख्य शर्तें क्या क्या थी, मेन मेन शर्तें क्या क्या थी वो आप देख लीजिए। यहाँ पे शिवाजी के पास में उस टाइम 35 किले हुआ करते थे, तो शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। इसमें से कौन कौन से थे? जैसे पुरंदर, वज्रगढ़, कोढ़ाना है ना, लोहगढ़, बसंतगढ़, ये किले हैं वो मुगलों को देने पड़े थे, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख हूण यानी 20 लाख रुपए उस टाइम पे थी। और शिवाजी के पास में 12 किले बचे थे, जिसमें से रायगढ़, तोरण, राजगढ़ आदि उनके पास में थे। प्लस दोस्तों, यहाँ पे एक शर्त और रखी गई थी शिवाजी के साथ में कि भाई जो भी दक्षिण के अभियान होंगे तो शिवाजी है वो मुगल सेना की सहायता करेंगे। प्लस दोस्तों, यहाँ पे शिवाजी के सामने एक शर्त रखी गई थी कि वो मुगल बादशाह के सामने प्रस्तुत हो, लेकिन शिवाजी ने उसको नहीं माना। प्लस उनके जो पुत्र थे संभाजी, उनको 500 का मनसब मनसब है वो आपका दिया गया, 5,000 का मनसब इस ट्रीटी के अनुसार। प्लस दोस्तों, दो तीन चीजें और थी कि यहाँ पे एक गुप्त शर्त भी रखी गई थी। क्या रखी गई थी कि यहाँ पे जो कोकण और बीजापुरी बालाघाट वाला जो एरिया है वो शिवाजी के अंडर में ही रहेगा। प्लस दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस ट्रीटी के बारे में जो कि आपसे पूछी जा सकती है। इस ट्रीटी के बारे में एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है कि जो जादूनाथ सरकार के द्वारा बोली गई थी, उन्होंने ये बोला कि ये जो संधि थी, पुरंदर की संधि हुई थी, ये वास्तव में इन रियल टर्म्स में मराठों और मुगलों के बीच क्या था, बीजापुर राज्य के बंटवारे के लिए एक सहमति थी, है ना। ये जो संधि थी ये क्या थी कि
मराठा और मुगल्स के बीच में बीजापुर जो आपका राज्य था उसके एरिए बांटे थे इन्होंने, ये किसके द्वारा बोला गया है? ये जादूनाथ सरकार के द्वारा बोला गया है। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर है 2-2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 जून 1665 को ये ट्रीटी है जो आपकी होती है। ठीक है, 15 जून 1665 को आपकी ये ट्रीटी होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट, ये इसी के बारे में आपसा है क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि 1665 के विषय में निम्न में से क्या सही है? ठीक है, बताओ। शिवाजी को अपने 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े, शिवाजी को मुगलों की मदद करनी पड़ी, शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित से मुक्त रखा गया। तीन स्टेटमेंट हैं, बताइए कौन सा सही होगा। पुरंदर की संधि के बारे में दिया है, अभी आपने पढ़े भी हैं इसके क्लोजेस, आई होप आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बड़ी आराम से। देखो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट हैं, शिवाजी को अपने 23 जो किले हैं वो मुगलों को देने पड़े, क्या ये सही है? दूसरा, शिवाजी को मुगलों की मदद करनी पड़ी, क्या ये सही है? तीसरा है, शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थिति से मुक्त रखा गया। एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, या एक दो और तीन? तो इसका जो सही आंसर है ना वो आपका क्या है? 4। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। आंसर इसका क्या होगा? 1, 2 एंड 3। भाई तीनों के तीनों सही है, गलत कहां पे है? ठीक है, 23 किले उसको देने पड़े थे, 35 किले थे उसके पास में, 12 के लगभग उसके पास में रहे फिर वो किले, है ना। मुगलों की मदद भी करनी पड़ी क्योंकि दक्षिण के जितने भी अभियान होने थे उसमें शिवाजी को उनकी हेल्प करनी थी, ये शर्त रखी गई थी। शिवाजी ने ये शर्त नहीं मानी कि मैं मुगल दरबार में उपस्थित हूंगा। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसका आंसर करेंगे। इसमें पूछा गया है कि शिवाजी की मंत्री परिषद के बारे में निम्न में से कौन से जोड़े सही हैं? अष्ट प्रधान का नाम आपने सुना होगा, अष्ट प्रधान, अमात्य, वित्त मंत्री, सचिव सामान्य प्रशासन और सुमंत विदेश मंत्री। एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, 1, 2 एंड 3। तो बताइए सही आंसर बताना है। शिवाजी की मंत्री परिषद के बारे में निम्न में से कौन से जोड़े सही हैं? अमात्य, सचिव, सुमंत, वित्त मंत्री, सामान्य प्रशासन और विदेश मंत्री। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर है वो है आपका 2, है ना, 1 एंड 3। ठीक है, अब एक एक हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो शिवाजी का जो मंत्री परिषद था उसको हम क्या बोलते थे? अष्ट प्रधान, क्योंकि तो शिवाजी के मंत्री परिषद में 8 मंत्री होते थे, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे? अष्ट प्रधान। क्या बोलते थे? अष्ट प्रधान इसको बोलते थे दोस्तों। इसमें सबसे ऊपर होता था छत्रपति, उसके उसके हेल्प के लिए आपके 8 प्रधान, 8 मंत्री हुआ करते थे। अब वो 8 मंत्री कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों मुख्य प्रधान होता था आपका पेशवा, पेशवा वित्त व्यवस्था सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था, है ना, और प्रधानमंत्री था, राजा के प्रतिनिधि और दाहिने हाथ का मतलब सबसे जो करीब होता था, सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता था वो आपका पेशवा ही होता था दोस्तों, है ना। तो आपको याद रखना है ना। और शिवाजी का जो पेशवा था वो कौन था? त्र्यंबक पिंगले, है ना, तो प्लीज इसको याद रखना। और इसका जो दफ्तर कहलाता था, पेशवा का जो दफ्तर होता था उसको क्या बोलते थे? ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। इसके जो ऑफिस होता था पेशवा का, इसको बोला जाता था हुजूर ए दफ्तर।
हुजूर ए दफ्तर इसके ऑफिस को बोला जाता था, तो ये चीज आपको याद है। उसके बाद में दोस्तों अमाते होता था, जिसको हम मजूमदार भी बोलते थे, जो कि बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर या अकाउंटेंट आप बोल सकते हैं, है ना। इसके सिग्नेचर के बिना कोई भी, है ना, कोई भी आय व्यय नहीं होती थी। फिर आपका होता था आपका मिनिस्टर, जिसको वाकियानवीस भी बोलते हैं दोस्तों, ये बेसिकली इंटेलिजेंस, पोस्टल और डोमेस्टिक अफेयर्स के लिए ये जिम्मेदार था, मतलब सूचना, डाक और घरेलू मामले के लिए जिम्मेदार था वाकियानवीस। चौथे नंबर पे हम देखें तो आपका सचिव होता था, इसको सुरुनवीस भी बोलते थे, और यह शाही पत्र व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता था ना, पत्राचार के लिए बेसिकली भी जिम्मेदार होता था। सुमंत को हम दबीर भी बोलते थे, यह बेसिकली राज्य सचिव हुआ करता था और विदेशी मामलों की देखरेख करता था, जो बाहर से एम्बेसडर आते थे, है ना, उनको रखना, उनके साथ बातचीत करना, ये सारा सुमंत का काम। फिर आपके सेनापति होते थे, जिसको सर ए नौबत बोलते थे दोस्तों, है ना, और दो आपके सर ए नौबत हुआ करते थे, है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दानाध्यक्ष जो होता था उसको हम पंडित राव भी बोलते थे, एक आपका पंडित राव और एक आपका न्यायाधीश, ठीक है। तो न्यायाधीश बेसिकली चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन से ऐसे दो लोग हैं जो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, तो एक तो न्यायाधीश, एक पंडित राव, ठीक है, ये दो लोग ऐसे थे जो कभी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, मराठा के अष्टप्रधान। बाकी लोग हैं जो युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया करते थे, तो आपके जो पंडित राव हैं और जो चीफ जस्टिस हैं आपके न्यायाधीश हैं, ये युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, तो इस चीज भी आपको याद रखनी। नाउ द नेक्स्ट, शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई, उस समय दक्षिण मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था, जब पहली मुठभेड़ हुई थी 1657, शाइस्ता खान, औरंगजेब, मिर्जा राजा जयसिंह या मुराद बख्श। शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई, उस समय दक्षिण मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन हुआ करता था, शाइस्ता खान, औरंगजेब, मिर्जा राजा जयसिंह या मुराद बख्श। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका टू, औरंगजेब था उस टाइम पे गवर्नर, ना, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल है, आराम से कर सकते हैं आप सब लोग। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताओ का सही उत्तर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर। शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे, फर्स्ट विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के तीन व्यक्तियों पर था, केवल एक सत्य है, बी सत्य है, ना तो एक और ना ही बी, ए और बी दोनों सत्य हैं, तो बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। तो दोस्तों देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, फोर, फोर। दोनों के दोनों सही है, ठीक है, फोर। तो शिवाजी की जो आपका जो स्ट्रेटेजिक जो उसकी नीति हुआ करती थी, सामरिक व्यवस्था था, उसमें किले बहुत इंपॉर्टेंट थे उसकी, ठीक है, और किलों के लिए उसके लिए स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करता था, ठीक है, तीन समान स्तर के व्यक्तियों को वो अपॉइंट करता था, जिससे कि कोई एक विश्वासघात करे तो दूसरा मैनेज करे, दूसरा करे तो तीसरा करे, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आंसर इसका क्या है, फोर, फोर, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना है ना। तीन ऑफिसर कौन हुआ करते थे, एक तो हवलदार हुआ करता था, एक सरे नौबत और एक सबनिस, है ना, हवलदार और सरे नौबत मराठा होते थे, और सबनिस कौन होता था, ब्राह्मण होता था, ठीक है। तो ये किले को भी देखते थे दोस्तों,
और ऐसा बताते हैं कि शिवाजी के पास में उस समय 250 किले हुआ करते थे कभी, कुछ लोग ऐसा बताते। तो किले उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे किले। नेक्स्ट, शिवाजी के संदर्भ में निम्न तिथि कौन सी सुमेलित नहीं है? जवाली दुर्ग पर अधिकार, पुरंदरगढ़ पर अधिकार, सूरत लूट और पुरंदर की संधि। इसमें से गलत मैच आपको बताना। बताओ जी, सब लोग आंसर करो। जवाली दुर्ग पर अधिकार, पुरंदरगढ़ पर अधिकार, सूरत लूट, पुरंदर की संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका वन। ठीक है, जवाली दुर्ग पर अधिकार कब किया गया था उसके द्वारा, है ना? ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि आपका बेसिकली 1656 1656 में उसने जवाली दुर्ग पर अधिकार किया था। ठीक है, 1656, 15 जनवरी 1656, यहाँ पे 1647 दिया गया, इसलिए गलत। पुरंदरगढ़ 1648, सूरत लूट 1664 और पुरंदर की संधि आप सबको पता है 1665। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? वन, क्योंकि वन वाला गलत है, यहाँ पे 1656 है। ठीक है, चले आगे। तो जरूरी आता ए विल बी द करेक्ट आंसर। मध्यकालीन दक्षिण भारत में बारगिरी क्या थी? बार गिरी, गिरगिरी, गुरेला युद्ध विधि, अलंकरण विधि, व्यापार पद्धति या बर्तन निर्माण। बार गिरगिरी क्या थी? गुरिल्ला युद्ध विधि, अलंकरण विधि, व्यापार पद्धति या बर्तन निर्माण। तो इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों आपका गुरिल्ला युद्ध विधि। ठीक है, कि मराठा है वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते, गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब छुप कर वार करते थे, छदम युद्ध करते थे, छुप कर वार करते थे। तो ये बार गिरगिरी क्या था? गुरिल्ला युद्ध वॉरफेयर, गुरिल्ला वो टेक्टिक्स। तो ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षक था? मरणोपत पिंगले, दत्ताजी पंत, अन्नाजी दत्तो या कृष्ण जी पंत। निम्नलिखित में से शिवाजी प्रशासन में प्रमुख भू सर्वेक्षक कौन थे? चीफ लैंड सर्वेयर इन द शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन। मरणोपंत पिंगले, दत्ताजी पंत, अन्नाजी दत्ते, कृष्ण जी पंत। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका थ्री, थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अन्नाजी दत्तो, अन्नाजी दत्तो विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? अब देखो, शिवाजी थे, उन्होंने अपनी जो प्रशासन था, है ना, वो आपका मलिक अंबर से काफी कुछ उन्होंने कॉपी किया है, लेकिन एज इट इज कुछ कॉपी नहीं किया, कुछ चेंजेस के साथ, कुछ बदलाव के साथ, है ना?
और जो भूमि कर लेते थे बेसिकली, लैंड रेवेन्यू लेते थे दोस्तों, वो बेसिकली आपका जमीन की पैमाइश के आधार पर वो भू राजस्व लेते थे, है ना। तो उन्होंने अंधाधुंध, मतलब ऐसे एज इट इज कॉपी नहीं किया उन्होंने, बल्कि उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने लिया था, लेकिन लिया किससे था, मलिक अंबर से। मलिक अंबर से वो काफी प्रभावित थे। तो ये सवाल भी आपका आता है इस शिवाजी की जो प्रशासन जो व्यवस्था है या भू राजस्व व्यवस्था, वो किससे प्रभावित थी, तो मलिक अंबर से वो प्रभावित थी। तो ये भी थोड़ा सा याद रखें, है ना। नेक्स्ट, शिवाजी की जो सैन्य व्यवस्था थी, जो आपका मिलिट्री सिस्टम हुआ करता था शिवाजी का, उसको सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जुमलादार, हवलदार, नायक, एक हजारी। सही आंसर बताइए। तो द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है वो है आपका वो, ठीक है। नायक, हवलदार और जुमलादार एंड आपका 1000, ठीक है। फोर विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी आपका देखो होमवर्क है, आपको मिलिट्री व्यवस्था पढ़नी है शिवाजी की, इसकी थ्योरी आप पढ़ोगे कि शिवाजी का मिलिट्री सिस्टम कैसा था, ये आपका होमवर्क है, सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा तो एक्स्ट्रा देखो आपको भी करना पड़ेगा एफर्ट्स। सूची वन है और सूची टू है, एक में आपके ग्रंथ दिए हैं, दूसरे में आपके क्या दिए हैं, लेखक ना। एक में आपके क्या है, बुक्स वगैरह हैं, दूसरे में उनके लेखक दिए हैं। तो शिवाजी सो वेर्नियर, हिस्ट्री ऑफ द मराठास, अ स्टडी ऑफ मुस्लिम इंस्क्रिप्शन, द क्रॉनिकल्स ऑफ पठान किंग्स ऑफ दिल्ली, जेम्स ग्रांट डफ, जे एस सरदेसाई, एडवर्ड थॉमस और वी एस बेंद्रे। का सही आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वन, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। शिवाजी सोवर्नियर आपकी जी सी सरदेसाई, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द मराठास, जेम्स ग्रांट डफ, स्टडी ऑफ द मुस्लिम इंस्क्रिप्शंस, वी एस बेंद्री, द क्रॉनिकल्स ऑफ पठान किंग्स ऑफ दिल्ली, एडवर्ड थॉमस। आंसर क्या है इसका, ए विल बी द करेक्ट आंसर, वो आप याद रख लीजिए। देखो ये बुक्स हैं, ये आपको इंडिविजुअल भी पूछी जा सकती हैं, मैच द फॉलोइंग में ज्यादा आने लगी हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। अलग अलग पीरियड्स की जो बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, उनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शिवाजी सोवर्नियर आपकी सरदेसाई जी हैं, हिस्ट्री ऑफ द मराठास, जेम्स ग्रांट डफ काफी इंपोर्टेंट बुक है, स्टडी ऑफ मुस्लिम इंस्क्रिप्शंस, बी एस बेंद्री, द क्रॉनिकल्स ऑफ पठान किंग्स ऑफ दिल्ली, एडवर्ड थॉमस, ठीक है। अब द नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी ने शिवाजी की जीवनी लिखी, सर जॉन चाइल्ड, रॉल्फ फिच, केमली कैरेरी, कोस्मे दा गुआडा। बताओ, निम्नलिखित में से किस विदेशी ने शिवाजी की जीवनी लिखी, सर जॉन चाइल्ड, रॉल्फ फिच, केमली कैरेरी, कोस्मे
कोस्मो दा गुआडा। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोस्मो दे गुआडा। इन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखी, ये फोरनर थे जिन्होंने शिवाजी की क्या लिखी थी, जीवनी लिखी थी। शिवाजी के अष्ट प्रधान जो अभी हमने पढ़े हैं, दूसरा ही क्वेश्चन था आपका अष्ट प्रधान पे, ये सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन का प्रभारी कौन था, या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसका प्रभारी कौन था, मोरे त्र्यंबक पिंगले, अन्नाजी दत्तू, रामचंद्र मजूमदार, और दत्ताजी वाक्यनवीस। तो बता दीजिए भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। शिवाजी के अष्ट प्रधान के सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन का प्रभारी कौन था? मोरू त्र्यंबक पिंगले, अन्नाजी दत्ते, रामचंद्र मजूमदार और दत्ताजी वाक्यनवीस। तो आंसर है मौर्य त्र्यंबक पिंगले, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। नेक्स्ट, शिवाजी के वह वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने पर्वती मराठा शासकों का भी मार्गदर्शन किया? हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ शिवाजी हु ऑल्सो गाइडेड द लेटर मराठा रूलर्स? पिंगले, मरणोपरंत त्र्यंबक पिंगले, बहिरोजी पिंगले, रामचंद्र पंत, बाबाडिकर। बाबाडिकर, तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखें, है ना। रामचंद्र पंत है ना, ये अमात्य थे दोस्तों, है ना। ये क्या थे? अमात्य थे, और ये 6 स्तंभों में से एक माने जाते थे मराठा साम्राज्य के, है ना। तो प्लीज, और ये ऐसे थे जिन्होंने 6 छत्रपतियों के अधीन कार्य किया, और बहुत ही लॉयल हुआ करते थे रामचंद्र पंत अबाडकर। तो आपको याद रखना, आंसर होगा आपका 4। 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी अपनी नौसेना का जो बेड़ा था वो कहां पे रखते थे? बेड़ा को कहां रखते थे? शिवाजी जो नेवी थी उसकी कहां पे रखते थे? सूरत, बसिन, कुलाबा या कल्याणी? जो नेवी फ्लीट थी उसकी, शिवाजी की, उसको वो कहां पे रखते थे? वो स्टैंड बाई पे कहां पे रखते थे? तो देखिए, उसको स्टैंड बाई पे वो कहां पे रखते थे? आपके कुलाबा में रखते थे। ठीक है, कहां पे रखते थे? कुलाबा में। जो जंगी बेड़ा था, नेवी फ्लीट थी उसकी, तो वो कुलाबा में रखते थे। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन के अधिकारी हैं और उनका पदनाम है, आपने पढ़ा है, आराम से कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अमात्य, सचिव, सुमन, दानाध्यक्ष। वित्त मंत्री, न्यायपालिका का अध्यक्ष, विदेश सचिव और धार्मिक प्रमुख। शिवाजी के प्रशासन के अधिकारी, उनके पदनाम दिए हैं, और बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? अमात्य, सचिव, सुमंत या दानाध्यक्ष।
देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका सचिव। न्यायपालिका का अध्यक्ष सेक्रेटरी होता था क्या? नहीं, कौन होता था बताओ, कौन होता था न्यायपालिका का अध्यक्ष? न्यायाधीश। पढ़ा था हमने, आई थिंक आपने पढ़ा था बट आपको याद नहीं आ रहा। मैंने आठ अस प्रधान आपको बताए थे, आठ मंत्री। तो ये वाला आपका सीधा सीधा गलत है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन। शिवाजी और पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच एक समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उसकी सफलता सुनिश्चित की। हिंदू पद पातशाही, हिंदू राजाओं का समर्थन, छापामार युद्ध पद्धति और संगठित और प्रशिक्षित सेना। तो बता दीजिए सही आंसर क्या है। हिंदू ब्यूरोक्रेसी, सपोर्ट ऑफ हिंदू किंग्स, गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड्स, ऑर्गेनाइज एंड ट्रेन्ड आर्मी। गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर, छापामार युद्ध पद्धति, उसी विल बी द करेक्ट आंसर। मराठा पॉलिटिक्स में दायाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दायाद, वतनदार, सरकार, परगना या गांव। हाँ तो देखो सुमंत का हमने विदेश सचिव ही किया है ना, जो फॉरेन मामलों को देखता था, वही तो है। क्या गलत है इसमें? दायाद का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों दायाद का जो अर्थ है आपका वो है सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो इसको आप याद रखिए। पेशवा ने पतनाम नामक कर किस पर लगाया था दोस्तों? पतनाम, पतदाम, नोट, पतना, पतदाम, विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, बाल विवाह या दहेज। पेशवा ने पतदान, पत दाम क्या था? एक तरह का टैक्स था। वो तो किस पे लगाया? आंसर है इसका बुधवा, विधवा पुनर्विवाह। विडो रीमैरिज जब की जाती थी तो पतदान करके एक कर होता था, वो आपको देना पड़ता था। देख लिया था सबने वैसे तो, है ना? बड़े तेज हो यार, पलक झपकते ही लपक लेते हो। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, पतदान कर क्या होता था? विडो रीमैरिज पे जो कर लगता था, है ना? तो मैरिज टैक्स था बेसिकली, है ना? द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज विद द मुगल वॉर्स कहाँ कब हुआ? 55, 57, 59 या 61। छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला संघर्ष कब हुआ, किसके साथ हुआ, ये भी बताना। किसके साथ हुआ बताओ, सही आंसर क्या होगा इसका? किसके साथ हुआ? औरंगजेब के साथ हुआ था। ठीक है, हमने बात की है दोस्तों।
1657 में, है ना? ठीक है, देखो पहली लड़ाई हुई थी आपकी शाहजहां के काल में, और उस टाइम पे दक्षिण में मुगल गवर्नर थे आपके औरंगजेब, है ना? तो यहाँ पे जो यहाँ पे पहली जो भिड़ंत हुई वो किससे हुई? औरंगजेब से, ठीक है? औरंगजेब क्या था? गवर्नर हुआ करता था उस टाइम पे साउथ का, और उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन थे? वो थे शाहजहां, 1657। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, हमने पहले भी किया था दोस्तों, है ना? नेक्स्ट, परगना बाई यादीनामा नामक मराठा वंशावली महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि, यह वाई में फरिश्ता के कार्यों पर आधारित है, यह इसमें वाई के अधिकारियों के नाम मिलते हैं, इसमें पेशवाओं की जागीर का विवरण है, इसमें छत्रपति शिवाजी द्वारा आसपास किए गए आक्रमण का वो है आपका युद्धों का विवरण है, ठीक है? परगना वाई यादीनामा जो वंशावली है वो किस लिए इंपोर्टेंट है? तो गाइज ये इंपोर्टेंट इसलिए है आपकी, बेसिकली इसमें अधिकारियों के नाम मिलते हैं, ऑफिसर्स के नाम हमें मिलते हैं, नाइनटीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है? महजर, सभासद बखर, दा जेदे शकवली, शकावली, नाना फडणवीस, साचे आंतवरंत, आत्वरंत, बताइए। इनमें से मराठा इतिहास का कौन सा लिटरेरी सोर्सेस नहीं है? नोट अ लिटरेरी सोर्सेस, आंसर है दोस्तों महजर। महजर किससे रिलेटेड है दोस्तों? महजर की घोषणा किसने की थी? अकबर ने की थी, याद है या नहीं? है ना? ये किससे रिलेटेड है आपका? मुगल से रिलेटेड है दोस्तों महजर, अकबर के द्वारा महजर की घोषणा की गई थी। अब बताइए महजर है क्या? कौन बताएगा मुझे ये महजर है वो है क्या और किसने लिखा था ये महजर, किसके द्वारा लिखा गया, प्रिपेयर किया गया, है ना? मुस्लिम से रिलेटेड है, मुगल से। शिवाजी एवं मुगलों के बीच हुई पुरंदर की संधि 1665 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? शिवाजी ने अपने 35 किले मुगलों को समर्पित किए, शिवाजी ने शिवा मुगलों ने शिवाजी के पुत्र को 5,000 की मनसब प्रदान की संभाजी को, मुगलों ने शिवाजी के बीजापुर राज्य के कुछ भागों पर अधिकार को स्वीकृत किया, शिवाजी को चोथ एवं सरदेशमुखी के अधिकार प्रदान किए। इसका जो सही आंसर है गाइस वो है आपका, शिवाजी ने अपने 35 किले मुगलों को समर्पित किए। क्या ये सही है? शिवाजी वॉज गिवन द राइट ऑफ चोथ एंड सरदेशमुखी, ये भी गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है बेसिकली, क्योंकि कितने किले दिए थे? 23 किले ही दिए थे बेसिकली, है ना? 23 किले तो दिए थे, पढ़ा नहीं था क्या आपने? 23 किले तो दिए थे, और ये वाला भी गलत है आपका, ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, और ये दोनों के दोनों आपके सही थे। ये हमने डिस्कस किया था आज क्लास में, डिस्कस किया था बेसिकली, है ना? किया था, 23 किले दिए थे,
पुरंदर की संधि में 35 थे। गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्लास के बाद में, और क्लास को सब लोग शेयर भी कर दीजिएगा आप सब लोग। इसके अलावा दोस्तों आप प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका 10% जो ऑफ चल रहा है उसका आज क्या है, लास्ट डे है। तो जो भी स्टूडेंट अपना पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस का पेड का, तो आप फ्लैग 10 कोड लगाइए, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा गाइस। ठीक है, ये आपकी प्लेलिस्ट है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भी आप जाके बाकी के सेशंस भी आप देख सकते हो, जो भी स्टूडेंट देखना चाहेगा। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पेपर 2 के साथ में पेपर 1 भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन।